कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर किसका पुत्र था भाई? हुमायूं का पुत्र था। और अगर और बात करना चाहे तो हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं का समय दो भागों में बटा हुआ है, 1530 से 1540, 1555 से लेकर 1556, यानी कि हुमायूं का शासनकाल कितने भागों में बटा हुआ? दो, 30 से 40 और 55 से 56। हुमायूं ने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े अपने जीवन में, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की हार, जबकि शेरशाह सूरी की जीत हुई। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी, शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर दीन पनाह नगर में। हुमायूं की जो जीवनी लिखी, इसकी चचेरी बहन ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा लिखी गई थी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। लेनपुल ने हुमायूं के संबंध में कहा कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते कालग्रस्त हो गया। ये वाक्य किसके संबंध में कहा गया? हुमायूं के संबंध में कहा गया। तो ये आपका क्वेश्चन दो एग्जाम्स में आया हुआ है, एक आपका लैब अटेंडेंट में आया था, दूसरा आपका कलर्क में आया था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था? तो आप सबको पता है बच्चों, कहां पे बनाया था? दांडी में। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी का दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 12 मार्च 1930 को। और इस यात्रा में महात्मा गांधी जी को कुल कितने दिन का समय लग गया था? 24 दिन का समय लग गया था। इसके दौरान महात्मा गांधी ने कुल कितने मील की दूरी तय की थी? 282 मील की दूरी तय की थी। इस यात्रा की शुरुआत गुजरात के कौन से आश्रम से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। कौन से आश्रम से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। और इस यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ की थी? 78 अनुयायियों के साथ की थी। और ये यात्रा महात्मा गांधी कब पूरी हुई थी? 5 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। और इस दिन महात्मा गांधी ने गुजरात के समुद्र तट दांडी पर पहुंचकर सांकेतिक रूप से कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। और इसी नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं, आप दांडी यात्रा भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई? महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई भाई? महाभारत आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई। और आप सबको पता है संस्कृत है वो किसकी भाषा है? आर्यों की भाषा है। किसकी भाषा है भाई? आर्यों की भाषा है। और आर्यों की भाषा कौन सी? संस्कृत। महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? महाभारत। महाभारत आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा भाई? महाभारत। महाभारत के दूसरे नाम है जय संहिता, या एक नाम और दे सकते हैं आप इसे, सत्सहस्री संहिता। और आप सबको पता है महाभारत का युद्ध कौन से वंश के बीच हुआ था? कुरु वंश के बीच हुआ था। और इसी कुरु वंश के थे कौरव और इसी कुरु वंश के थे पांडव। इस युद्ध में जैसा कि आपको पता है पांडवों की जीत और कौरवों की क्या हुई थी? हार। यह युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। 18 अध्याय थे।
इस युद्ध में कितने अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें 11 अक्षौणी सेना किसकी थी भाई? कौरवों की। 7 अक्षौणी सेना किसकी थी? पांडवों की थी। और इस युद्ध की जो भूमि है, अगर युद्ध भूमि की बात करूं तो इसकी युद्ध भूमि कितने कोस मानी गई है? 48 कोस मानी गई। यानी महाभारत की युद्ध भूमि कितने कोस थी भाई? 48 कोस थी। ये क्वेश्चन भी आपका लैब अटेंडेंट में आया है और बार बार विभिन्न एग्जामों में रिपीट भी हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने डैश शीर्षक वाली पुस्तक लिखी, यानी चंद्रवरदाई की रचना क्या नाम है भाई? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने किसका वर्णन किया है? इसमें चंद्रवरदाई ने वर्णन किया है अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसके शासनकाल का समय रहा 1177 से लेकर 1192। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रवरदाई के संबंध में एक बात कही जाती है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही व्यक्ति है जिसने हरियाणा में 2 लड़ाइयां लड़ी, त्राइन की पहली लड़ाई 1191 में, त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, और त्राइन की दूसरी लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। किसके हाथ हुई थी भाई? गौरी के हाथ हुई थी। कहते हैं जब गौरी से पकड़ के अपने साथ गजनी ले गया तो वहां पे चंद्रवरदाई ने कहा कि मेरा मित्र बिना देखे निशाना लगा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास यह क्षमता थी कि वह शब्द वेदी बाण लगा सकता था। शब्द वेदी बाण लगाने की या तो क्षमता राम के पिता राजा दशरथ में थी या फिर किसमें थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय में। तब वहां पर कहते बाण चलाने से पहले एक दोहा बोला गया था, और वो दोहा किसके द्वारा बोला गया था? चंद्रवरदाई। वो दोहा क्या था बच्चों? आज डिस्कस करते हैं हम। 4 बांस 22 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तापे बैठा सुल्तान सूतमती चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय तुम्हारी और गौरी की दूरी 22 गज है, यानी एक क्रिकेट की पिच इतनी दूरी है, और उसके ऊपर 8 उंगली ऊंचा सिंहासन है जिस पर सुल्तान बैठा है और निशाना चुकना नहीं चाहिए। तब कहते पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने निशाना लगाया और इस प्रकार किसका अंत कर दिया भाई? गौरी का अंत कर दिया। फिर दोनों ने वहीं पर आत्महत्या कर ली, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न पुस्तकों में बताया गया है। तब यह चंद्रवरदाई की पुस्तक जो पृथ्वीराज रासो है, यह पूरी की थी चंद्रवरदाई के पुत्र किसने? जलहन ने। किसके द्वारा पूरी की गई भाई? जलहन के द्वारा पूरी गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? आप सबको पता है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और कभी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर भी माना जाता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अब सबसे विशाल नगर माना जाने लगा है राखीगढ़ी को। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई वो खुदाई कब हुई भाई? 1922 में। मोहनजोदड़ो खुदाईकर्ता का क्या नाम है? राखल दास बनर्जी। क्या नाम है भाई? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से हमें कितनी तरह के गार मिले हैं? 3 तरह के गार मिले हैं भाई, अनानागार, सनानागार और सभागार। वैसे अन्नागार का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से पहले खोजे गए एक स्थान हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन 3 तरह के गार मात्र एक स्थान पर मिले हैं, वो स्थान कौन सा? आपका मोहनजोदड़ो। आप सबको पता है अन्नागार गोदाम, यानी जहां पे अनाज इकट्ठा किया जाता था। स्नानागार जहां पर आज की तरह के स्विमिंग पूल, जहां पर 50-100 आदमी स्नान कर सके। सभागार जहां पर विद्वान लोग बैठ के किसी मुद्दे पर चर्चा कर सके। इसके अलावा एक यहां से मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। यानी कासा धातु की नर्तकी की मूर्ति भी हमें कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। कासा धातु का निर्माण कितनी धातुओं के मिश्रण से होता है? 2 धातुओं के मिश्रण से होता है। वो 2 धातुएं आपकी कौन कौन सी है? तांबा और टीन, यानी रंगा। आपको एक बात और मैं आज बच्चों बता देना चाहता हूं, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी राजस्थान से, जबकि टीन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। इसीलिए
कांसे की निर्तिकी की मूर्ति मिली है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से मिली हमें पशुपति की मूर्ति, यानी ये वही पशुपति है जिसे आज हम भगवान शिव यानी आघ्य शिव जिसकी आज हम पूजा करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से नव मुस्लिम कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मंगोलों कहा जाता है। यह आपका क्वेश्चन आया था फूड एंड सप्लाई के जो आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे उस सीरीज का ये क्वेश्चन है। यानी अब बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय रहा है शासनकाल का 1290 से 1296। आप सबको पता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन से वंश का संस्थापक है, खिलजी वंश का संस्थापक है। और खिलजी वंश जो आता है हमारी कौन सी सल्तनत के अधीन आता है, दिल्ली सल्तनत के अधीन आता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, 5 वंश हुए हैं। पहला वंश जो आपका था इसके अंतर्गत गुलाम वंश, दूसरा कौन सा था, खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोदी वंश। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही जो मंगोलिया के निवासी थे मंगोल, जिसमें एक मशहूर शासक का आपने नाम भी सुना होगा चंगेज खा, जिसने दुनिया की कुल आबादी के 11% लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी गणना विश्व के 10 करोड़ शासकों में की जाती है, उसी के समय यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय दिल्ली में बसे मंगोल, और वही मंगोल क्या कहलाए, वही नव मुस्लिम कहलाए। क्या कहलाए, नव मुस्लिम। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में एक बात और कही जाती है, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिरी के किले की स्थापना करवाई, यानी सिरी का जो किला बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का समय रहा 1296 से 1316, यानी 20 साल तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया थे आपका सिरी फोर्ट, आज खास, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, जब कभी भी आप दिल्ली जाओगे और कुतुब मीनार को देखोगे तो कुतुब मीनार से पहले आपका आता है कौन सा दरवाजा आता है, अलाई दरवाजा। और उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, जो और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कहां पर विजय प्राप्त की, दक्षिण भारत में। यानी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा यह अपनी कौन सी प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध था, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध था। और अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी कौन प्रसिद्ध था, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा इसी के समय में कहां पर जोहर हुआ था, चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में इसके समय जोहर हुआ था। आप सबको पता है महारानी पद्मावती के नेतृत्व में उनकी 800 दासियों ने जोहर किया था। यह है कलंक भी है, किसके ऊपर कलंक है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर कलंक है। इसके अलावा इसी ने सैनिकों की पहचान के लिए कौन सी प्रथा की शुरुआत की थी, उलिया प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सैनिकों को कैसा वेतन देना शुरू किया था, नगद वेतन देना शुरू किया था। इसने घोड़ों की पहचान के लिए उन्हें दागने की प्रथा शुरू की थी, और घोड़ों की पहचान के लिए दागने की प्रथा भी किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इसी के समय थे अमीर खुसरो जो जिसने दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा 8 सुल्तानों का शासन देखा, अमीर खुसरो जिसने सितार का आविष्कार किया, वीणा को संशोधित किया, अमीर खुसरो जिसे तोता हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा जाता है, इंद्र। इंद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 250 बार हुआ है। इंद्र के लिए इसमें शब्द भी आए हैं, पुरंदर बोल सकते हैं आप, या आप इसे गढ़ विध्वंसक भी बोल सकते हैं। इसमें युद्ध का देवता था इंद्र, और दूसरा देवता अगर बात करना चाहूं तो किसे माना गया, अग्नि को माना गया। ये सेकंड था
और पहला देवता कौन था? इंद्र। और ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारा सबसे कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है, जिसमें कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। सूक्त का अर्थ होता है ठीक से बोला गया, जिसमें कितने मंत्र है? 10,580 मंत्र है। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद भी अगर पूछा जाए तो कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू या ज्यादा हिंदू मनसबदार थे? तो किसके शासनकाल में थे भाई? औरंगजेब। वैसे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा मनसबदार किसके समय थे? औरंगजेब। औरंगजेब का जो समय रहा, औरंगजेब का समय रहा भाई 1658 से 1707, यानी 49 साल तक शासन किया। 49 साल तक किसने शासन किया? औरंगजेब। यानी सबसे लंबे समय तक अगर बात करना चाहूं तो मुगलों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया भाई? औरंगजेब ने किया। औरंगजेब के समय ही 1669 में कौन सा विद्रोह हुआ भाई? जाट विद्रोह हुआ। 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ? सतनामी विद्रोह हुआ। 1675 में कौन सा विद्रोह हुआ? सिख विद्रोह हुआ, क्योंकि इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन कटवा दी थी। 1678 में इसी केस में कौन सा विद्रोह हुआ? राजपूत विद्रोह हुआ। ये मशहूर विद्रोह है किसके समय के? औरंगजेब के समय के। इसके अलावा अगर औरंगजेब ने सार्वजनिक रूप से संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और इतिहास में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक भी है जिसका कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार। पहली बार 1658 में, दूसरी बार 1669 में। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने किसकी उपाधि प्राप्त की थी? आलमगीर की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? आलमगीर की उपाधि प्राप्त की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बॉम्बे के प्रार्थना समाज की स्थापना निम्न करने के लिए महादेव गोविंद राणा डे को किसने प्रभावित किया? प्रभावित किया भाई आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद राणा डे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और वीर चंद्रावर के द्वारा। ১৮৬৭ में मुंबई में कौन से समाज की स्थापना की गई? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था महिला शिक्षा का उत्थान करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, यानी महिलाओं का उत्थान करना, समाज में शोषित वर्ग को ऊपर उठाना, ये सारे उद्देश्य रहे कौन से समाज के? प्रार्थना समाज के। वैसे महादेव गोविंद राणा डे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद राणा डे। महादेव गोविंद राणा डे ने इसके अलावा विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की थी। सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक भी है 39 अनुच्छेदों वाली, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था के लेखक भी कौन है? महादेव गोविंद राणा डे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एनी बेसेंट ज्यादातर किसके साथ जुड़ी हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट जिनका संबंध है आयरलैंड से, वो ज्यादा किससे जुड़ी हुई थी? होम रूल लिंग आंदोलन, क्योंकि इन्होंने ही सितंबर 1916 में हिंदुस्तान में कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत की थी। होम रूल लिंग आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, संवैधानिक तरीके से, कैसे तरीके से? संवैधानिक तरीके से भारत को क्या दिलाना चाहती थी? ये स्वतंत्रता दिलाना चाहती थी, और संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से इनके द्वारा कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? होम रूल लिंग आंदोलन। यह आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी? मद्रास से की। और इन्होंने
इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए लीग का सचिव नियुक्त किया था। इन्होंने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज अरुंडेल को। और इनके ने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए कितने समाचार पत्रों का सहारा लिया? दो समाचार पत्रों का सहारा लिया, जिसमें एक का नाम है कॉमनवेल्थ और दूसरे का नाम है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम के दो समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाए गए। किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1917। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि श्रीमती एनी बेसेंट कौन किससे जुड़ी हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, वो थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगस्त प्रस्ताव के समय के साथ कौन जुड़े हुए हैं? अगस्त प्रस्ताव के साथ जुड़े हुए लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1940 को। इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि अब भविष्य में हिंदुस्तान में युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। युद्ध परामर्श समिति की स्थापना इसलिए की जाने का प्रावधान किया था क्योंकि हिंदुस्तान को 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में बिना उसकी सहमति के अंग्रेजों ने शामिल कर लिया था, और इसी बात का विरोध करते हुए कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उन्हें मनाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई 8 अगस्त 1940। इसमें मुख्य बातें यही थी कि युद्ध परामर्श समिति का गठन होगा, अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी कानून लागू करने से पहले उनकी सहमति ली जाएगी, और युद्ध समाप्त होते ही एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात पर विचार करेगी कि किस तरह से संवैधानिक प्रारूप को मजबूत किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी थे चिकित्सक। धनवंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? धन्वंतरी। धन्वंतरी किसके दरबार में थे भाई? धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से, यानी नौ रत्नों में से एक थे, और उन नौ रत्नों में से एक कौन थे? धन्वंतरी। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो धन्वंतरी की पुस्तक का नाम है रस चिकित्सा। धन्वंतरी की पुस्तक का क्या नाम है? रस चिकित्सा। धन्वंतरी ने इस पुस्तक में बताया है कि सोना, चांदी और तांबा, इन धातुओं में किसकी शक्ति है? रोग निवारण की शक्ति है। और इस रोग निवारण की शक्ति के बारे में हमें किसने बताया? धन्वंतरी ने। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया भाई? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां जिसका समय रहा था 1627 से 1658। यह ताजमहल कहां पर है भाई? ताजमहल आगरा में। आगरा में कौन सी नदी किनारे है? आगरा में यमुना नदी के किनारे है। सूर्य की पुत्री है, यम की बहन भी कहा जाता है कौन सी नदी को? यमुना नदी। उसने ताजमहल किसके लिए बनवाया? उसने ताजमहल बनवाया मुमताज महल के लिए। मुमताज महल, जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ ताजमहल, यानी मुमताज महल के लिए बनवाया गया ताजमहल। इस मुमताज महल को मलिका ए जमानी की उपाधि दी गई थी, और इसे मलिका ए जमानी की उपाधि किसने दी थी भाई? शाहजहां ने दी थी। इसके अलावा बात करना चाहूं तो शाहजहां का मुमताज महल के अलावा भी और भी पत्नियां थी। शाहजहां की इसके अलावा 14 पत्नियां और थी। और इस ताजमहल के ठीक सामने एक काले पत्थरों का महल बनवाना चाहता था। कौन बनवाना चाहता था भाई? शाहजहां। लेकिन वह उसे बनवा नहीं पाया। और जो हमारा ताजमहल है वो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है,
इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया ताजमहल को। कहते हैं ताजमहल के अंदर दोनों की कब्र है, किस किस की कब्र है, मुमताज महल की और किसकी है, शाहजहां की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई? 1885। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके संस्थापक कौन है? ए ओ अयूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ अयूम, जिसे अर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है भाई? ए ओ अयूम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया है, अर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? ए ओ अयूम को। ए ओ अयूम के द्वारा कौन सी पार्टी स्थापना की गई? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था भाई? मुंबई में हुआ था। मुंबई में भी कौन सी जगह हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस 72 में से एक सदस्य आपके प्रदेश का भी था, और आपका प्रदेश आपको पता है कौन सा? हरियाणा। और उस सदस्य का नाम था लाला मुरलीधर, और लाला मुरलीधर ने हरियाणा में कांग्रेस की पहली ब्रांच 1886 में अंबाड़ा में खोली थी। इस 72 में से लगभग सदस्य क्या थे भाई? वकील थे। इसीलिए वकीलों की पार्टी भी कहा जाता है, और वकीलों की पार्टी किसे कहा जाता है? कांग्रेस को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में आकर्षित करने के लिए केसरी का प्रकाशन किया। केसरी का जो प्रकाशन किया था किसने किया था भाई? ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। किसने किया था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदुस्तान में कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल लिंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था भाई? होम रूल लिंग आंदोलन। लेकिन इन्होंने होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत की थी अप्रैल 1916 में, और इनका आंदोलन कहां पे सक्रिय था? पुणे में। और इन्होंने केसरी के अलावा दो समाचार पत्रों का सहारा लिया था, एक केसरी था, दूसरा कौन सा था? मराठा था। बाल गंगाधर तिलक ने एक बात भी कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की गणना कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में की जाती थी। गरम दल के मुख्य रूप से तीन ही नेता माने जाते थे, बाल, पाल और लाल। यानी बाल से हमारा मतलब किससे है? बाल गंगाधर तिलक से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का विभाजन कब निष्प्रभावी हुआ? पश्चिम बंगाल का विभाजन कब निष्प्रभावी हुआ भाई? 1911 में। क्योंकि 1911 में जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन से दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार का। और यह दिल्ली दरबार किसके स्वागत में लगाया गया था? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी के स्वागत में लगाया गया था। इस दरबार में मुख्य रूप से कितनी घोषणाएं थी? दो। एक घोषणा तो किसका विभाजन रद्द करने की हुई थी? बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था, और इसी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी समय कलकत्ता की जगह किसे राजधानी बनाने की घोषणा हुई? दिल्ली को। यानी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी पूछे तो क्या बताना है? 1911। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे भाई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जनगणमन अधिनायक की रचना की थी, और यह किसके स्वागत में गाया गया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? कौन सा है भाई? धोलावीरा। धोलावीरा आपका कहां पे पड़ता है? गुजरात में। तो बताना चाहूंगा बच्चों में, धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं।
धोलावीरा में दो बार ही उत्खनन हुआ, पहली बार 1967-68 में, और जब 67-68 में उत्खनन हुआ तब उत्खननकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। दूसरी बार जब उत्खनन हुआ 1990-91 में, तब उत्खननकर्ता कौन थे, आर एस विस्ट, यानी रविंदर सिंह विस्ट। ये रविंदर सिंह विस्ट वही है जिन्होंने फतेहाबाद के बनावली में भी खुदाई की थी। तो यहाँ धोलावीरा से हमें दो चीज़ों का साक्ष्य मिला है, एक तो किसका साक्ष्य मिला है बच्चों, स्टेडियम का, और दूसरा किसका साक्ष्य मिला है, जल संरक्षण का। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुआं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चोरी चोरा कांड कब हुआ। चोरी चोरा कांड हुआ भाई फरवरी 1922 में, यानी 5 फरवरी 1922 को। ये चोरी चोरा नामक स्थान कहां पे पड़ता है आपका, यूपी के, यूपी में भी कौन सी जगह, गोरखपुर। गोरखपुर वही जगह है जहां से यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ सांसद भी रहे हैं। तो 5 फरवरी 1922 को जब हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा बेवजह लोगों पर लाठियां बरसाई गई। उसी घटना से हाथ होकर लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें कितने पुलिस वाले जिंदा जल गए भाई, 22 पुलिस वाले जिंदा चल गए। और इसी घटना से हाथ होकर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस। तो बच्चों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।